नमस्कार, मैं आपके साथ सुधा शाह। पूरे देश में कोरोना वायरस की वजह से देश में लॉकडाउन का चौथा चरण जारी है, तो वही सरकार की ओर से लोगों को अपील की गई है कि वो घर में ही रहे और सोशल दूरी बनाए रखे। इसी को लेकर समस्तीपुर जिले में भी जदयू नेता ने लोगों से घर में रहने की अपील की। पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है, तो वही कोरोना से संक्रमित मरीजों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। इसी वजह से पूरे देश में हुए लॉकडाउन के बाद सरकार ने देशवासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि घर से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखे। इसी को लेकर समस्तीपुर जिले में भी जदयू नेता ने कोरोना को लेकर लोगों को सलाह दी। दरअसल जिले के कल्याणपुर ब्लॉक के जदयू के जिला उपाध्यक्ष राजीव कुमार उर्फ पिंटू सिंह ने जनता को कहा कि कोरोना के इस महामारी में लोगों को सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी होता है उसका पालन करना चाहिए। इसके साथ मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। आगे कहा कि भीड़ भाड़ वाले जगह पर अपने आप को जाने से रोके, बेवजह नहीं जाए, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। और उन्होंने कल्याणपुर विधानसभा के माननीय विधायक सह मंत्री महेश्वर हजारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मंत्री जी इस महामारी के दौर में जनता की सहायता के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता से कहा कि आप लोग बस घर पर रहे, अपना ध्यान खुद रखे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। मनोज कुमार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। मैं इस वक्त कल्याणपुर क्षेत्र के कुछ ग्रामीण क्षेत्र में आया हूँ, जो यहाँ के हमारे जिला के जदयू युवा महासचिव राजीव कुमार सिंह उर्फ पिंटू जी हैं, उनसे लॉकडाउन के बारे में कुछ पता करते हैं। जो ये सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया है वो क्या है और कितना निर्णयकारी है? हाँ बताइए। देखिए, इस महामारी के समय में लॉकडाउन का निर्णय जो माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सारे राज्य का जो लिए, उसमें 100% सही है। उनका सलाहकार जो राय दिए उस पर वो लोग काम किए, लेकिन इसमें थोड़ा सा चूक रह गया कहीं ना कहीं हमारे समझ से। इसलिए कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को नहीं कह सकता हूँ, नहीं मुख्यमंत्री जी को कह सकता हूँ। मेरे समझ से कि जिस समय 22 तारीख को लॉकडाउन किया गया, उस समय प्रवासी मजदूर को या विद्यार्थी को या कोई भी कहीं फंसे हुए थे, उनके लिए एक सप्ताह का समय देना चाहिए था, जो कि सभी आदमी अपने अपने घर पहुँच जाते, उसके बाद लॉकडाउन करना चाहिए था। ये मेरे समझ से इसमें त्रुटि रहा है। लेकिन चलिए, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को बचाया, पूरे राज्य को बचाया, उनका मैं हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन और भी हम समाज अपने बिहार वासियों से, समाज से, प्रखंड वासियों से कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन का चौथे चरण का पालन करना चाहिए। वो यहाँ हो नहीं रहा है, इसलिए कि किसी को कोई कहने वाला है नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में अपने मन मर्जी सभी आदमी जहाँ मन होता है वहाँ घूमते रहते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये बीमारी एक मतलब छुआछूत का बीमारी है। इसमें हर आदमी को बचना चाहिए, अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का बात समझना चाहिए। हाट बाजार कम जाना चाहिए, बैंक में बगैर मतलब का कोई पैसा नहीं आया, कोई पैसा निकालना नहीं है, सिर्फ जाँच करने के लिए लोग भीड़ लगा के वहाँ पर बैठ जाते हैं, वैसे नहीं होना चाहिए। सोशल डिस्टेंस का, दो गज दूरी का पालन नहीं हो पा रहा है, इसमें डर बना रहता है हर बुद्धिजीवी को कि क्या कब हो जाएगा, इसका कोई ठीक नहीं है। इस कोरोना महामारी में जो विकट परिस्थिति बनी हुई है, इसके लिए आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? यही अपील करना चाहते हैं हम कि सभी आदमी अपने आप में सतर्क रहें और सावधान रहें। इस चौथे चरण की लॉकडाउन को सभी आदमी सही ढंग से पालन करें और माननीय प्रधानमंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का इज्जत और सम्मान बढ़ाते रहें। इसमें सभी आदमी का मान सम्मान बढ़ेगा और इससे ज़्यादा क्या मैं अपील तो नहीं कर सकता हूँ। मैं आग्रह कर सकता हूँ मैं अपने ग्राम वासियों से, जिला वासियों से और प्रखंड वासियों से। हाँ बताए, हमारे क्षेत्र के जो मंत्री जी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री मेरे महेश्वर हजारी जी बड़े भाई जो हैं, वो समय समय पर इस लॉकडाउन के बारे में मेरे पूरे प्रखंड के हर जगह का समाचार देते रहते हैं। कहीं कोई बाहर में फंसे हुए हैं, कहीं क्वारंटाइन में खाना पीना में दिक्कत हो रहा है, उस पर
जागरूक रहते हैं, वो पूछते रहते हैं कहाँ क्या हो रहा है पिंटू जी बतलाइए, उसमें हम लोग उनको सही राय देते रहते हैं कि ये भाई ये कीजिए ये कीजिए, तुरंत 12 बजे रात में भी वो खड़े उतरते हैं, उनका हम लोग सभी आदमी शुक्रगुजार हैं और आभारी हैं। आपने सुना जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं और सह मंत्री महोदय महेश्वर हजारी जी हैं, वो समय समय पर लोगों को हालचाल पूछते रहते हैं और जो जो मदद होता है वो करते ही रहते हैं। और अब मैं समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज के बारे में जानना चाहता हूँ, बताइए। माननीय मेरे सांसद महोदय प्रिंस राज जी, वो भी हर समय जागरूक रहते हैं, बच्चे लोग जहाँ फंसे हुए प्रवासी फंसे हुए हैं उन पर भी वो ध्यान दे के बुलाने का काम कर रहे हैं, जो केंद्र से बनता है वो केंद्र से मांग करते हैं और सारा चीज़ वो भी ठीक ठाक से देखभाल कर रहे हैं, जो जहाँ तक हो सके सांसद जी को वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के करें, इसी में हमारे जिला वासियों को मतलब कल्याण होगा और इसी का मैं शुक्रगुजार उनका सभी जिला वासियों और प्रखंड वासियों और ग्राम वासियों के साथ उनके उम्मीद हूँ। लोगों को आप इस कोरोना महामारी में क्या क्या बचाव के लिए क्या क्या बताना चाह रहे हैं, बताइए। इसमें हर आदमी से मैं अपने जिला वासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि बेगर वजह घर से ना निकलें, समय समय पर हर आदमी को जो भी इधर उधर बेवजह घूम रहे हैं उनको समझाएं, समझा बुझा के उनको घर में रहने के लिए कहें और ज़्यादा भीड़ भाड़ जगह पर न मच जाएं, भीड़ भाड़ से बचें, है कि नहीं। कुछ आदमी अफवाह उड़ाते रहते हैं, उस अफवाह में ना पड़ें। जो भी आदमी बाहर से आते हैं वो सरकार की बात को पालन करें, सरकार की बात माने। मेरे माननीय मुखिया, मेरे वार्ड मेंबर जो भी हैं, उन वीडियो साहब, सीओ साहब, थाना प्रभारी, उन सब को सहयोग करें, सहयोग करके हर आदमी अपने आप को बचाव करें। कल्याणपुर से मनोज झा की रिपोर्ट।